डिस्कवर लॉस एंजलिस की प्रोग्रेस। हाँ भाई, तो कहानी कुछ यूँ है कि आज मेरा इंग्लिश का 7 पेजेस का एसे ड्यू है और मैंने उस एसे का अभी तक एक भी पेज नहीं लिखा है। अच्छा, यूजुअली ऐसे मौक़ों पर जाके मैं प्रोफेसर से एक्सटेंशन मांगता हूँ, प्रोफेसर एक्सक्यूज़ बनाता हूँ, प्रोफेसर ये हो गया था, वो हो गया था, प्लीज़ एक्सटेंड कर दें। और प्रोफेसर 95% एक्चुअली अभी तक कोई भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है जिसने मना किया हो, तो अभी तक तो 100% चल रहा है, 100% प्रोफेसर्स ने एक्सटेंशन दे दिए। तो मैं अभी जाऊँगा प्रोफेसर से, कोशिश करूँगा कि एक्सटेंशन मिल जाए। We have until Friday. Friday noon. Okay. Thank you. Yep. तो भैया, I'm in luck. प्रोफेसर ने खुद ही एक्सटेंड कर दिए, डेट 2 दिन की एक्सटेंशन दी है, तो आज और कल का दिन है। आई विल गेट डन विथ इट टुडे। अच्छा, तो प्रोफेसर ने हमें होमवर्क दिया था कि अपनी ख्वाब में जो आता है, पिछले 2 दिन पहले दिया था और कहा था कि ख्वाब में जो आता है वो पेपर पे लिख के आना। तो मेरे ख्वाब में आया था कि आई मेट दिस मोटिवेशनल स्पीकर, उसका नाम है डेविड मेल्सर, और ख्वाब में यह था कि आई वाज डूइंग सम इंटर्नशिप फॉर हिम एंड ही ऑफर्ड मी टू वर्क फॉर हिम and he liked my work ethic or he also gave me a free ticket to one of his speaking conventions, kuch aisa scene tha. To professor ne kaha ke ye jo tumhara khwab hai iska matlab ye hai ke you want, jo bhi banda tumhare khwab mein aaya tha, maine naam nahi bataya tha, unhone kaha jo bhi banda tumhare khwab mein aaya tha, the whole idea is that you aspire that person and you want to be like him. Motivational speaker, a business owner, a person who creates content. तो भाई, हमारे एक शेफ़ हैं, शेफ शमशेर, ही इज़ लाइक अ प्रॉपर शेफ, ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल एंड ही मेक्स वीडियोज़ ऑन कुकिंग एंड सारे मतलब खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर, एंड ही इज़ ऑल्सो अ फिटनेस, मतलब फिटनेस फ्रीक लाइक मी, आई एम नॉट अ फिटनेस फ्रीक बट आई लाइक टू स्टे फिट। तो उन्होंने एक सजेशन दी थी कि वन एवर यू वर्कआउट और आप क्लिप बनाते हो तो यू शुड लाइक गिव सम काइंड ऑफ अ टिप एज वेल, और मुझे ये सजेशन पसंद आई थी, तो टुडे आई एम डूइंग चेस्ट वर्कआउट, तो इसकी मैं एक टिप दूंगा। वन एवर यू डूइंग बेंच प्रेस या पुशअप्स भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके जो एल्बोज हैं, कोनियाँ हैं, वो आपके बॉडी से करीब हैं। जितनी कोनियाँ दूर होंगी उतना प्रेशर शोल्डर्स पर आएगा और देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इंजर्ड हो सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई यूज़ टू वर्क आउट विथ माई यू नो एल्बोज आउट और मेरी शोल्डर की इंजरी हुई थी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि शोल्डर्स आउट होने की वजह से मुझे इंजरी हुई थी। तो दिस वॉज वन ऑफ द टिप्स दैट आई लाइक टू शेयर विथ यू गाइस। तो यूजली होता कुछ यूँ है कि जब मैं लॉस एंजलिस सिटी कॉलेज आता हूँ, जो मतलब घर के करीब वाला कॉलेज आना हम कन्फ्यूजिंग, मेरा कहने का मतलब है जब मैं घर के करीब वाले कॉलेज में आता हूँ तो मैं यूजली वापस घर जाता हूँ लंच के लिए और फिर वापस लाइब्रेरी चले जाता हूँ अगर पढ़ना होता है। आज मैं नहीं जा रहा क्योंकि आज मेरा असाइनमेंट ड्यू है, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम गोइंग बैक होम, वहाँ पर जाके लंच करूँ फिर वापस लाइब्रेरी जाऊँ। तो जिम से डायरेक्ट आई विल गो बैक टू द लाइब्रेरी, रास्ते में आई एम गोना गेट बिरयानी, एक जगह है बिरयानी कबाब हाउस, वहाँ पर बिरयानी मिलती है, तो मैं रास्ते में बिरयानी लूँगा और लाइब्रेरी में जाके खाऊँगा। और एक्चुअली मैं तो यहाँ पहुँच भी चुका हूँ, वो बैठने वाले शख्स के मतलब वो कंटेंट क्रिएटर स्ट्रगल्स। अच्छा सॉरी, दिखा देता हूँ।
box, it's the top love. I can give you what I got, I don't got none. Save some for your bro when I come through. Take a second or two if you want to. I ain't feeling done. I just wanna spend all my days laying with you in the sun. Is you down with it? Say is you down with it? We can get it from the top to the ground again. अगर आप इंस्टाग्राम पर पहले से फॉलो करते तो एक स्टोरी देखी होगी आपने सेठ साहब की। सेठ साहब हमारे पड़ोसी मुल्क से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। वो अपने ब्लॉग में एक बीम काइंड प्रोजेक्ट करके एक मुहिम चलाते हैं, उससे वो काइंडनेस को प्रमोट करते हैं। तो आज के बीम काइंड प्रोजेक्ट का मैसेज ये है कि अगर आप कभी भी अपने घर के लिए फ्रूट या वेजिटेबल्स लेने के लिए बाहर जाएं तो कोई एल्डरली वेंडर से लें, मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोगों से लेने की कोशिश करें और उनसे थोड़ा बार्गेन कम करें, क्योंकि उस उम्र में वो भीख मांगने या बेगिंग करने की जगह वो बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस रिच होने के लिए नहीं, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए करते हैं वो। तो प्लीज़ एक गुजारिश है कि अगर आप फल और सब्जियाँ लेने जाएँ तो बुज़ुर्ग या बड़े सिटीजन से लें। हाँ अंजर, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। And by the way, lots of love from Pakistan. And if you guys like the video, you can subscribe here. अगर यहाँ नहीं तो भूल जाता हूँ, रात को अपलोड करता हूँ, नींद में होता हूँ, नीचे बटन होगा। Only if you want. And if you can follow me up on Instagram as well to stay updated on जो भी मैं हरकतें करता रहता हूँ Instagram पे। खुदा हाफिज़।